Hi student, I am Dr. Suchi Sinha, Assistant Professor, Mirza Ghalib College, Gaya. मैं आपको फर्स्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था साइकोलॉजी का, उसका डेफिनेशन बताया था कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है. इस वीडियो में मैं आपको उसके मेथड के बारे में बताऊंगी. मनोविज्ञान का जो एक साइकोलॉजी का तीन जो मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. हालांकि मनोविज्ञान के और भी बहुत सारी विधियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विधि उपयोग में आता है वो हमारा है पहला इंट्रोस्पेक्शन मेथड, दूसरा आपका है ऑब्जर्वेशन मेथड और तीसरा आपका है एक्सपेरिमेंट मेथड. आज मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड के बारे में बताऊंगी कि मनोविज्ञान की इस विधि का इम्पोर्टेंस क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है और ये विधि है क्या. मनोविज्ञान में अंतर्निरीक्षण विधि स्ट्रक्चरलिस्ट जो मनोवैज्ञानिक थे उनका दिया हुआ है. स्ट्रक्चरलिस्ट वैज्ञानिक में आपके विल्हेम वुंड और टीचनर थे. उनको उनका मानना था कि मनोविज्ञान, चूंकि वो उन्होंने मनोविज्ञान का जो परिभाषा दिया था वो चेतन अनुभूतियों का विज्ञान कहा था, इसलिए उनका मानना था कि आपके चेतना में जो चल रहा है उसका अध्ययन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आपके मन में जो भी चल रहा है उसका अध्ययन संभव है. आपके चेतन में जो चल रहा है उसी विधि के द्वारा संभव है. इन मनोविज्ञानी का ऐसा विचार था कि व्यक्ति के मन का अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त विधि के रूप में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए. उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, चूंकि व्यक्ति के मन में या चेतना, मन या चेतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मन और चेतना में जो चल रहा है उसका अध्ययन कोई और नहीं कर सकता बनिस्पत कि व्यक्ति ही स्वयं बता सकता है. अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी बात का दुख है, किसी बात का तकलीफ है, कष्ट है, तो इसके बारे में वो स्वयं बता सकता है, उसके बारे में वो दूसरा कोई नहीं बता सकता. अतः अंतर्निरीक्षण विधि ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उसके मन के बारे में जान सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति को किसी बात से तकलीफ है, कष्ट है, तो अगर इस बात की जानकारी लेनी है तो हम उसके उससे पूछेंगे और वो स्वयं अपने अंदर निरीक्षण करके वो बताएगा, तभी हम उसके बारे में जान सकेंगे. अतः अंतर्निरीक्षण विधि और एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन में और चेतना में क्या चल रहा है वो बताता है और तब हम उसके बारे में जान पाते हैं. इसलिए मनोविज्ञान का यह विधि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है. अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अंतर्निरीक्षण विधि और आत्मनिरीक्षण विधि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है. अंतर्निरीक्षण विधि हम क्या कह रहे हैं, जो स्वयं अपने अंदर अपने भीतर में निरीक्षण करके बतलाता है वो अंतर्निरीक्षण है. लेकिन जो आदमी अगर निरीक्षण अपने जिसमें भाव नहीं होता, कोई संवेद अनुभूति नहीं होता और उसको जब बताता है तो वो अंतर्निरीक्षण नहीं होके आत्मनिरीक्षण हो जाता है. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति एक गुलाब का फूल देखता है और गुलाब का फूल देख के कहता है कि ये बहुत खूबसूरत फूल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसको हम भी लगाएंगे, तो जब ये बात वो बताता है तो उसमें उसका भाव होता है, संवेग होता है या फीलिंग कह सकते हैं, तो ये अंतर्निरीक्षण कहलाएगा क्योंकि वो अपने स्वयं के अंदर निरीक्षण करके एक उसमें भावना उत्पन्न हुई कि वो ये गुलाब कितना सुंदर है. अतः ये गुलाब की जो खूबसूरती है वो उसको प्रभावित करता है और वो अपने अंदर स्वयं निरीक्षण करके अपने फीलिंग्स को बताता है, तो ये अंतर्निरीक्षण कहलाएगा. अब आत्मनिरीक्षण किसको कहेंगे, अगर वो सिर्फ गुलाब देखा और उसमें कोई भावना नहीं आया, कोई फीलिंग्स नहीं आई, तो वो आत्मनिरीक्षण है. अगर वो गुलाब देखा और कहा ये गुलाब है तो ये आत्मनिरीक्षण है. अतः आपको बहुत क्लियरली जानना होगा कि अंतर्निरीक्षण
और आत्मनिरीक्षण का अंतर आपको बहुत जरूरी है समझना। दोनों के बीच अगर आप अंतर नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये जो है वो अंतर्निरीक्षण है और ये है जो आत्मनिरीक्षण है। इसका अंतर जानने के लिए आपको बहुत अच्छे तरह से समझना होगा कि जब तक आपके निरीक्षण में भाव नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, तो वो निरीक्षण अंतर्निरीक्षण नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मनिरीक्षण कहलाएगा। अब मैं आपको इंट्रोस्पेक्शन का एक डेफिनेशन बता रही हूँ जो चैपलिन का दिया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि अंतर्निरीक्षण विधि है क्या। मैं लिख रही हूँ, आप देखिएगा। इंट्रोस्पेक्शन, 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 इंट्रोस्पेक्शन इज द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ description of consciousness consciousness contained in terms of its element and attributes, in terms of its elements and attributes। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पे चैपलिन के थ्रू एक डेफिनेशन दिया गया है जो मैं आपको लिखी हूं। इसमें इन्होंने बोला है, इंट्रोस्पेक्शन इज द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियस कंटेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। चैपलिन की परिभाषा से स्पष्ट है कि अंतर्निरीक्षण में व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, जो भी बाहरी दुनिया में जो घटित होता है उसका वो स्वयं अनुभव करता है, तथा स्वयं अनुभव करके उसका निरीक्षण करके उसके बारे में बतलाता है। यही अंतर्निरीक्षण विधि का काम है। जिस समय व्यक्ति का अनुभव होता है वह उसी समय अंतर्निरीक्षण करके बतलाता है। ये नहीं है कि आज गुलाब देखा और कल उसके बारे में विवरण दिया तो यह अंतर्निरीक्षण नहीं कहलाएगा। जिस समय अनुभव हुआ उसी समय अपने वो अनुभव, अपनी फीलिंग्स के बारे में जो भी उसको फील होता है, अगर वो गुलाब देखता है और उसे अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो उसका जो भी फीलिंग्स आया उसके बारे में तुरंत बतलाता है, यही अंतर्निरीक्षण कहलाया। ये नहीं कि आज गुलाब देखे और कल जाके उसके बारे में बताता है कि कल हमने गुलाब देखा, तो ये अंतर्निरीक्षण नहीं कहलाएगा। अनुभव की समाप्ति के बाद, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनुभव की समाप्ति के बाद यदि वह विवरण देता है तो वो अंतर्निरीक्षण नहीं कहलाएगा। अब हम यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है आपका, उसका कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बताएंगे। अंतर्निरीक्षण विधि के बहुत सारे मेरिट्स हैं और बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि इस विधि, ये मनोविज्ञान का सबसे पहला विधि है और इसका महत्व आज भी है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज है जिसके अध्ययन अंतर्निरीक्षण के द्वारा ही संभव है। इसका जो पहला मेरिट है वो है, मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतन अनुभवों का अध्ययन होता है। चूंकि मनोविज्ञान में चेतन अनुभवों का अध्ययन होता है तो आपके चेतना या आपके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं बता सकते हैं। इसके अनुभव को दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि चेतन अनुभव व्यक्ति एवं आत्मगत स्वरूप का होता है, अतः इसका निरीक्षण आप स्वयं ही कर सकते हैं।
इससे इसके अध्ययन चेतन में जो चल रहा है इसका अध्ययन के लिए और कोई दूसरी विधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि के माध्यम से ही अपने मन का, अपने मन में क्या चल रहा है, अपने चेतन अनुभव क्या हुआ, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस निरीक्षण के द्वारा हम बताते हैं। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट है मेरिट से, वो है मनोविज्ञान कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करता है जिसका अध्ययन इसी विधि के माध्यम से संभव है, जैसे चिंतन की प्रक्रिया में मानसिक प्रक्रियाओं का हाथ होता है या नहीं, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हम अंतर्निरीक्षण विधि के माध्यम से कर सकते हैं। कहने का मतलब अर्थ ये है कि अगर चिंतन की आप अवस्था में हैं तो आपका मन में क्या चल रहा है, आप क्यों चिंतित हैं, इसका इसके बारे में आप स्वयं ही बता सकते हैं, इसके बारे में दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं बता सकता। अगर आप चिंतित हैं तो आप क्यों चिंतित हैं, क्या वजह है जो आपको चिंता में ला रहा है, इसका स्वयं ही आप निरीक्षण करके और बताते हैं। अतः यहाँ पे इसका अध्ययन करने के लिए मुझे हमें अंतर्निरीक्षण विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरा तीसरा हमारा है अंतर्निरीक्षण विधि की ही अंतर्निरीक्षण मनोविज्ञान की एक अपूर्व विधि है। यह विधि अन्य विज्ञानों में नहीं होता, जिसके फलस्वरूप यह विधि मनोविज्ञान को दूसरे विज्ञानों से अलग करता है। यह विधि अब इस विधि का जो है ये अन्य विज्ञान जो अदर साइंस है उसमें इंट्रोस्पेक्शन विधि का कहीं सहारा नहीं लिया जाता है। ये विधि सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान में ही इसकी उपयोग किया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान का अलग विज्ञानों से मनोविज्ञान का अध्ययन अलग करके हम देख सकते हैं, या मनोविज्ञान को अलग विषय के रूप में हम अन्य विज्ञानों से कर सकते हैं। चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट है, अंतर्निरीक्षण विधि का एक ऐतिहासिक महत्व है। अंतर्निरीक्षण का इसलिए ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने में इस विधि का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब विलियम वुंट ने 1879 में पहला प्रयोगशाला का स्थापना किया था लिप्जिंग में, तो उन्होंने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है और चेतना में जो चल रहा है, जो अनुभूति है, उसका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा ही कर सकते हैं। इसीलिए इस विधि का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने में इसी विज्ञान का देन है। आज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसका सबसे बड़ा देन है तो ये हमारा इसी विधि का देन है, क्योंकि मनोविज्ञान आज स्वतंत्र विषय बन गया और दर्शन शास्त्र के अधीन निकल के, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ाई होती है या उससे निकल के अलग एक स्वतंत्र विषय बन गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि मनोविज्ञान को एक तो विज्ञान का दर्जा और दूसरा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने का दर्जा इसी विधि का देन है। अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्निरीक्षण विधि एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसके द्वारा व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अगर अपने मन में, अपनी चेतना में जो चल रहा है वो बताएगा तो इससे बढ़िया निष्कर्ष कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो शायद गलत भी हो जाए, लेकिन अगर वह स्वयं निरीक्षण करके और अपने बारे, अपने फीलिंग्स, अपनी अनुभूतियों के बारे में बताता है तो और सही सही अगर बताता है तो इससे बेहतर निष्कर्ष और किसी विधि के द्वारा नहीं निकल सकता है। अब मैं आपको अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में, मेरिट तो हमने बता चुका, अब उसके डिमेरिट्स के बारे में बताती हूँ। अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि आत्मनिरीक्षण विधि एक आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक विधि है। अब इसके कारण क्या है कि जो व्यक्ति अपने अनुभव या चेतना में जो चल रहा है वो बताता है, हमको उसी पे विश्वास करना पड़ता है। हो सकता है कि वो जो बता रहा है वो गलत भी बता सकता है, क्योंकि
वो उसके मन में क्या चल रहा है सिर्फ वही बताता है, हम देख नहीं सकते, हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि उसके वो जो बताया वो गलत भी बताया। अतः इसमें बहुत संभव है कि इससे प्राप्त जो निष्कर्ष है या उत्तर है वो गलत भी हो सकता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक आत्मनिष्ठ और अंतर्निरीक्षण एक आत्मनिष्ठ और व्यक्तिक विधि है, जिसका सबसे बड़ा अवगुण है या डिमेरिट कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति इसमें स्व निरीक्षण करके बताने में हो सकता है कि कुछ बातों को वो छिपा भी ले। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अंतर्निरीक्षण विधि का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। अंतर्निरीक्षण विधि के माध्यम से हम बहुत सीमित क्षेत्रों में ही अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, जो स्व निरीक्षण करके नहीं बता सकता, तो हम छोटे बच्चों पे अध्ययन संभव नहीं है। छोटे बच्चों के बारे में अध्ययन करना संभव नहीं है। उसी तरह अगर हम पागल को ले, पागल का अगर हम चाहेंगे कि हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू उसके चेतना या क्या मन में क्या चल रहा है, तो हम नहीं प्रीड कर सकते, क्योंकि पागल भी अपने मन में या अपने अनुभव के बारे में सही से नहीं बता सकता। इसी तरह अगर हम सोचेंगे कि जानवरों के बारे में अध्ययन करें, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने चेतन में क्या चल रहा है, उसकी अनुभूति में क्या हो रही है, वो नहीं बता सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि जो विधि है, इसका वो इसका क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया है, अध्ययन क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों पे अध्ययन कर सकते हैं जो अपनी अनुभूति में या चेतना में क्या चल रहा है वो बताएगा, उसी पे सिर्फ अध्ययन संभव है। तो ये इसका दूसरा बहुत बड़ा डिमेरिट है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपके मन में जो चल रहा है, अगर वो हर बार, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की अनुभूति हो या एक ही तरह का चेतना में आपके बात आए, तो ये चूंकि चंचल है, आप बार बार अगर पुनरावृत्ति करिएगा, रिपीटिशन करिएगा, तो संभव नहीं है कि हर बार एक ही तरह की अनुभूति या एक ही एक तरह का निष्कर्ष मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। अतः हम इससे प्राप्त आंकड़ा या जो रिजल्ट है वो उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो इससे प्राप्त आंकड़ा या निष्कर्ष बहुत रिलायबल नहीं होगा और इसकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती है। अतः इंट्रोस्पेक्शन मेथड का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का में कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है, लेकिन आज भी मनोविज्ञान का ये उतना ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि बहुत सारे चीजों का अध्ययन हम सिर्फ और सिर्फ इसी विधि के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ जैसे अगर हम एक सेक्सुअल रिलेशंस में आपके क्या फीलिंग्स आ रहा है, तो हमारे समाज में उसका अध्ययन खुले सामाजिक पाबंदी के वजह से हम नहीं कर सकते। तो अगर इसकी इस सेक्सुअल रिलेशंस में फीलिंग्स क्या आ रहा है, इसके बारे में जानना है, तो हम इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, जो अन्य विधियों से संभव नहीं है। अतः आज भी मनोविज्ञान का ये उतना ही इम्पोर्टेंट मेथड है जितना अन्य मेथड्स इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज पहला आपका ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड था। मैं दूसरी वीडियो में मैं दूसरा मेथड के बारे में बताऊंगी, और आप बहुत बहुत आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया, अभी मेथड्स के बारे में बता रही हूँ, और इसको आप समझिए पढ़ के। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।